हेलो एवरीवन दोस्तों, आज है वेनसडे। आप जानते ही हैं वेनसडे को मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है मेरे पास में आया है एक लड़की का जिनकी एज बहुत कम है, मीन्स 20-22 के अराउंड है। ये एक मैरिड आदमी को बहुत प्यार करती हैं। वो इंसान इनके साथ 5 साल से रिश्ते में है। अब वो इनसे शादी करना चाहता है। वो ये चाहता है कि अपनी पहली वाइफ को भी डिवोर्स ना दे और इनको भी रखे। इनको ये स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये पूछना चाहती है मुझसे। देखिए, इस सवाल का आंसर देने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई दुविधा, कोई उलझन चल रही है और आप चाहते हैं कि उसका जवाब मैं वीडियो में दूं, तो वो सवाल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltoftheily@gmail.com। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, जैसे कि आपने कहा कि वो मैरिड है, 5 साल से रिश्ते में है आपके साथ में और आपसे एज में बड़ा है, और इसके अलावा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे एक चीज कहना चाहूंगी कि वो अपने दोनों हाथ में लड्डू रख रहा है। वो ना तो अपनी पहली वाइफ को छोड़ना चाहता है और ना ही आपको छोड़ना चाहता है, पहली चीज। दूसरा, वो आपको प्यार करने का दावा कर रहा है अपनी वाइफ के होते हुए। उसका आपसे अफेयर है, आपके साथ 5 सालों से है, मीन्स वो अपनी वाइफ को 5 सालों से धोखा दे रहा है। क्या आप ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकती हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि आपसे शादी के बाद उसको किसी तीसरे इंसान से प्यार नहीं होगा? वो किसी थर्ड लड़की से भी प्यार में पड़ सकता है, उसको भी रख सकता है। क्या गारंटी है उस पर भरोसा आप कर सकती हैं, बताइए मुझे। नहीं कर सकती ना। अगर आप शादी करती हैं, दो दो वाइफ एक आदमी की एक घर में या फिर अलग अलग घर में, कैसे कैसे वो रिश्ता निभेगा इस बारे में आपने इमेजिन किया है? क्या आप अपने पति को बांट पाएंगी? अभी आपके अंदर एक फील है कि वो इंसान मुझे प्यार करता है, बट इस चीज को मत भूलिए कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं है। मीन्स कुछ तो अटैचमेंट उससे भी है। और जब आपकी शादी होगी ना, तब आप दोनों में डिफरेंस करेंगी और फिर आपके लिए वहां पर उस आदमी के साथ में टिकना रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो वो आदमी पहली वाइफ के लिए भी करता है। अभी आपके अंदर ये फील ही नहीं है कि वो मेरा पति है, बट शादी के बाद आपके अंदर ये फील होगा कि ये मेरा पति है, और फिर आपको लगेगा कि आप अपने पति को किसी और के साथ में बांट रही हैं। वो क्या आप झेल पाएंगी? ये जो फील है ना, ये आप अभी नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आप उसके साथ में नहीं जुड़ी हैं, अभी आप उससे दूर हैं। ये जो सारे फील मैं बता रही हूँ आपको आएंगे आपकी शादी के बाद, और फिर आपसे ना उसे छोड़ता बनेगा ना उसके साथ में रहता बनेगा। उससे शादी के बाद अगर आपका दिल किसी दूसरे लड़के पर, दूसरे आदमी पर आ जाता है, तो क्या वो आपको शादी करने देगा? क्या आपको परमिशन देगा कि आप दो हस्बैंड रख पाए? नहीं रखने देगा ना। क्यों? क्योंकि ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज के लिए कैसे राजी हो सकती हैं कि एक आदमी एक वाइफ के साथ में तो रहे और साथ ही साथ आपको भी रखे? ये चीजें शादी से पहले बहुत अच्छी लगती हैं और आपको लगता है बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगी, बट ये पॉसिबल नहीं होता। जिस घर में दो वाइफ होती है ना, ऐसे घर भी होते हैं, उस घर पे इतना कलेश होता है और आपकी जिंदगी पूरी कलेश बन जाती है। जो प्यार आपको अभी प्यार दिख रहा है, वो सब छू मंतर हो जाएगा आपकी शादी के 2-3 महीने बाद। जो पति आपके पीछे पागल है ना, वही आपको शादी के बाद गालियां देगा, वही आपको फिर छोटा गंदा महसूस करवाएगा। मेरी एडवाइस तो आपके लिए यही रहेगी कि ऐसे किसी रिश्ते में ना पड़े। ऐसे रिश्ते में पड़ने का मतलब अपनी जिंदगी को नर्क बनाना है, जिसके बारे में अभी आप सोच भी नहीं पा रही हैं। ये रिश्ते हमेशा दुख देते हैं, आपको जीने नहीं देते, आपकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। सो मैंने आपको अपना डिसीजन, अपनी एडवाइस दे दी है। बाकी लाइफ आपकी है, जो भी आप करें सोच समझ के करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, वो अच्छी होगी या बुरी होगी, भुगतना आपको ही पड़ेगा। होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल लगी होगी, आपकी उलझी हुई लाइफ में थोड़ी सी सुलझन लेके आएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।